ये छोटा, ये बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। हमने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बनाया। कबाब वाली सरकार है एंड कबाब शॉप ट्राई करेगी, एक कढ़ाई वाली सरकार है साहब, ऐ चटनी वाली सरकार। ये भाई जी, इन भाई ने बनाई है खूबसूरत कढ़ाई, और ये देखे जी, ये कबाब के साथ खेलते हुए सैद भाई। ये हमारी कढ़ाई फाइनल तैयार हो गई है, और साथ हमारे ड्रिंक्स भी तैयार हो गए हैं। और ये ठुला पहन लगा जी। हेलो, ए किसने पिया? बैचलर पार्टी कर रहे हैं, और जिन्होंने कभी हार किचन में कोई काम नहीं किया, आज माशाल्लाह देखेंगे क्या क्या काटा भैया आपने। प्याज, ये टमाटर होते हैं, ये वाला इसके ऊपर छिलका होता है। अच्छा, हमारे पास मशीन नहीं है जिससे ना हम यूं करते हैं, 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 वाह जी वाह, ये खराब हो गया था। अच्छा, ओ ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तान में आपको मुर्गी बिल्कुल साफ सुथरी मिलती है, यहाँ पे सारी मुर्गी खुद साफ करनी पड़ती है। ये देखें, उसने स्किन को नंगी कर दिया। ये देखें इसका अंदर से, ये माल भी होता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। आप यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि ये मुंडे कैसे काम कर रहे हैं। अच्छी अच्छी यार, चुको यार, थोड़ा साइड पे कर दो, माशाल्लाह कसाई लगे हुए। बकरा देव और है, बकरा वीक हो गया बस थोड़ा सा। ये बाबू को क्या करना होता है यार, आप हैंडी इज निश अलाउड, बंद करो यार, ये मोबाइल बंद करो यार, गलत बात है। मैं तो बाबू के हाँ भाई, क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यार मैंने जज को बताना है कि डिपोर्ट हो रहा है या नहीं मंडे। ये ठीक है, हेलो, चले जी, किधर पहुंचे काम? वाह जी वाह, खाली शाह ला दी थीजिए जी, वाह, उन्होंने कहा वही थी, आराम से आराम से, अपने हाथ बचा के, चलो ये हो गया फाइटिश। वाह जी वाह, वो सामने एक मुर्गी तैयार हो गई है, ये दूसरी मुर्गी तैयार हो रही है, वाह जबरदस्त जबरदस्त यार। और बाकी चीजें काट ला यार, फड़ो फड़ो फड़ो, पता नहीं आज कढ़ाई कैसे कैसे बनी, कढ़ाई कबाब। आपने क्या करने वीडियो भाई, मैं वीडियो बना रहा, मैं कबाब बनाएंगे, कबाब बनाता हूँ। खोलो यार, सामान खोलो, सामान खोलो। क्या ये तो रोटियां जमीन पे रखी हुई हैं यार, रोटियां देखो उधर उधर दे, साइड में रख दी। नान भी लेकर आया? हां जी, ओए मोटू, ये चपली कबाब की रेसिपी देख रहे हैं खान बाबे की। ओए अनारदाना भी डालना है, कहां से ले? जिन फैमिलियों को, जिन बच्चों को पसंद नहीं है अनारदाना, वो कहते हैं कि हम खा नहीं, हमें भी पसंद नहीं है ना, हमें अनारदाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बचपन से एलर्जी है अनारदाने से। धोना नहीं है, उसी में 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम चर्बी, ठीक है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अजवाइन और चॉपर, ये पड़ा है, ये चॉपर अभी खोलना पड़ेगा। चॉपर खोलो, प्याज को इसके अंदर डाल के चॉप करना है, एक भी नहीं पड़ा, किचन में काम करने वाला है, छिलके भी डालने प्याज के। चूल्हा ऑन कर दे, चूल्हा चूल्हा कभी ऑन को नहीं किया यार, मन नहीं ना पता है। अच्छा काम करने काम, अच्छा ये उसके बाद यहाँ इसको बंद किया, डाल दिए प्याज, हाँ प्याज डाल दी, और ये छोटा नहीं, दो उसमें होगा ना, दो 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 सर्कल में होगा। अब इसको हमने यहाँ पे स्विच लगाना है, और इसके साथ यहाँ पे तेल दे, जरा तेल बोतल दे, तेल वाली बोतल हो पाई ना, तो यार हमने लगाना है किधर, ये चमचा भी ले आओ, चमचा हमारे भी पड़े,
इसको हम देखते हैं करी चॉप कर देते हैं। इधर का चिकन बहुत जल्दी कर जाता है, पता हाथ नीचे रख सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह सी। और मेज का पानी भी निकालना पे बहुत चाहिए मेरे को। बैग में वैसे एक और की तरह क्या बैग उठा के मेरा तू बर्तन निकाल रहे यहां से। काली मिर्च है पानी के ऊपर डाल के तू चाहिए मसाला काटना इसको सुबह इसको पहले निकाल दूंगा। अब बीरे चमचा देना मैं दस कितने चमचा हंडी वाला ओ सामने कितने छह लगे हुए ने चल चल फिर ए लग गया। ये किधर गए मैं पास आ रहा फुल सारा भी पा दे चल थोड़े ना गाने कर यार खुदा का नाम ले तू सच्ची मुझे वीडियो बना रहा है। चलो भाई चलो वेट चलो तू मेरा तो बहुत शुभ लगा रहे हम यार ऐसे खोलोगे सब मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। सोने दिया चमचा सोने दिया चमचा सोने दिया सोने दिया चमचा अंदर व्लॉग बनाना चलो आ जाओ आ जाओ बंद नहीं बंद 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 किचन रखो किचन रखो। आओ जी हमने लिया जी किलो कीमा। इसके अंदर अब हम अपना जो हमने तीन प्याज चॉप किए थे चार हरी मिर्चें चॉप की थी वो इसके साथ मिक्स कर देंगे। एक टमाटर चॉप करके मिक्स कर देंगे और ऊपर नमक मिर्च वगैरह हम साथ डाल लें। ये हमारी आ गई दादरी लाल मिर्च एक चम्मच हमने क्योंकि आज हमने स्पाइसी बनाना है वो ठीक है। ये हमने साथ मिक्स कर दिया इसके वो अजवाइन की तरह अजवाइन दी थोड़ी पाई नमक दे काली मिर्च दे नमक काली मिर्च पीसी नहीं है पीसी है उसके पास शवार से ब्लैक पेपर है पीसो थोड़े से जर्मन का नमक ज्यादा होता है इसलिए हम पहले थोड़ा सा ही डालते हैं ताकि उसके बाद उसमें आ जाए। काली मिर्च किधर गई काली मिर्च ये हमारे पास यार बाबे को नहीं फॉलो करना अपने तरीके से बना रहे की पाए बिच मेरे को पूछ ला चुप हो जाओ मैंने ना कबाब बनाए हैं कि हम भी बनाए हुए की पाए जा रहे हैं प्याज हरी मिर्च एक टमाटर डाल ला फिर टमाटर नहीं डाल काली मिर्च डाली है इतनी सी जो ऊपर छिड़की है थोड़ी सी वो दादरी मिर्च डाल दी मैंने कितना ये नमक मिर्च कितने डाले एक एक चम्मच क्योंकि वो चपली कबाब मसाले में सब कुछ होता है मैंने इसलिए तो चपली कबाब मसाला है तो वो रखा हुआ हमने वो ये डालना था ना मैंने ये ले गया अब हम अपनी लाल मिर्च नहीं डालेंगे ये डालेंगे लाल मिर्च नहीं अभी डालेंगे नहीं डालना आप कबाब बनाने लगे हो ये चपली कबाब ओवन में बनाओगे आप हम अपनी मर्जी से आज ओवन में इसको ओवर बेकन करेंगे ओवर बेकन करेंगे वाह जी वाह एक कबाब ही कह रहे हैं मैं ओवन में बनाऊंगा और बाकी फ्राई करूंगा ठीक हो गया जी ये मसाला बन गया और पता नहीं कितना नमक भरे डाला है बना लगा जी ना शनिवारी बना लगा क्यों यार जैसे तेरा दिल कर रहा है टमाटर ज्यादा बना ताकि ना जरा कोई के नाम है ग्रेवी ज्यादा हो प्याज है पहने यार साहब है इतने यार ये रहती है यार आपने प्याज सारे चॉप कर दिए यार ये गलत बात है आप देखो नए प्याज काटने पड़ेंगे यार बाकी इधर मेहंदी लगा के रहे अच्छा
वो तो जल रहा है चूल्हा, तो चूल्हा बंद करो ना, चूल्हा बंद करो। किसने चलाया भाई? मैं शायद कुत्ता से आने रह गया, चूल्हा आन रह गया। चलो कोई नहीं, बंद हो गया वो कढ़ाई से। अच्छा ये प्याज यार, ये अभी जल जाना है फिर उस वक्त से कढ़ाई उसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, अभी रखे हैं यार, अभी रखे। अच्छा ये इसमें नहीं डालने यार, तुम उन्हें बताया ही नहीं यार, तुम तो बड़े शेफ हो, तुम पता ही नहीं कि पहले क्या डालना है। यार क्या बनेगा ये, देखो ना इतना बनेगा। ये बंदा तो तवे में एक ऊपर आते तवे, तवे को क्या करना है? और इसमें तवा नहीं होता, ये ओवन है। भाई हम इसके अंदर ही रखते हैं ना, तवे इसमें ही रखते हैं हमारे घरों में। किधर है तवा, तुझे खुद भी पता है? मैं ढूंढता रहूं। हम देसियों के घरों में तो ओवन के अंदर ही सारी चीजें होती है, ऑलमोस्ट के इधर पैन वगैरह सारे इसी के अंदर रखे होते हैं। देखते हैं, रुक जा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिर्च कम है। रुक जा रुक जा रुक जा, मनीप को क्या लग रहा है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, प्याज आ गया। रॉयल की आज हड्डी बनेगी। यस वाह वाह जी, प्याज प्याज आ गया जी। अरे तवा भी तो निकालना बंद भी तो तवा 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 यार ये सैंपल कबाब तैयार हो गया। ये अच्छा, वाह जी वाह, पहला कबाब। और ये नहीं सुनवाई सदाल में प्लेट प्लेट या रुक जाए, चॉपर दे दो फिर उधर कर लो। ये चॉपर है ना, ये चॉपर, ये आप, हाँ ये चॉपर, इसमें आपने ये करना है, इसके साथ लगाए। वाह जी वाह, अब हमारी चटनी बनने लगी है। नहीं हमारी हमने मतलब के हमारे लिए बनने लगी है। ये पुदीना, धनिया, टमाटर और ग्रीन मिर्चे, ये सब मार के चार दर 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 भी बना लिया। चार हरिया मिर्चा नहीं, ज्यादा हो जाएगी। चार डाल चार डाल डाल डंडे तो मैं डाल ना। हाँ सब कुछ डंडे समेत ना डाली, लेकिन साफ डंडे होने चाहिए। धो लिया धो लिया। ये हमारे साइड पे एक जो है वो मसाला तैयार हो गया। एक हमने जो है ना कबाब ट्राई किया है, अब ये ऊपर क्या मर्च मसाला है, और अभी वो रहता है क्या नाम है गोश्त, ताकि हमारा कीमा जो है वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब देखते हैं थोड़ी देर पड़ा है। और यहाँ चटनी रेडी हो रही है, और बाहर ये हमारे खीरे तैयार हैं, और ये भाई साहब हैं सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं माहौल को, चाय पी रहे हैं कॉफ़ी बल्कि। देखना ये लग रहा है ज्यादा वो है उसमें आटा गूंद रहे हो, वो जब फ्री हो जब तैयार हो जाए ना मुझे बताना, मैं चॉपर ले आऊंगा। और ये जो है ना हमारा ये कढ़ाई बन रही है, चिकन कढ़ाई, और ये साथ हमारा जो है ना चपली कबाब, चिकन कढ़ाई पास चपली कबाब। तो सॉरी यार मैंने गिरा दिया है, सॉरी, इसको अब साफ करना पड़ेगा। गोश्त डाल गया है। वाह जी वाह जी वाह, गोश्त जो है ना अभी आप बिल्कुल अपनी हवाओं में। अब आप ये चॉपिंग तैयार है तो मैं आपको ये चॉपर उठा के लेके आना पड़ेगा, मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ, आपके साथ नहीं मतलब कि इस मशीन के साथ कनेक्ट करता हूँ। और इसका जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा वो किधर है? हाँ ये रहा, इसको आप इसके साथ लगाएं, ठीक हो गया, बंद हो गया, मैं बंद हो गया, इसको आपने यहाँ लगाना है और आ जाए। ये साथ स्विच है, इधर ही लगा लेते हैं। अब आपने यहाँ बटन दबाना है, पीछे ये डब बटन लगा हुआ है, तो ये आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल लेते ना तो जल्दी हो जाता है। नहीं नहीं चल चल पड़ी चल पड़ी कोई चल पड़ेगी। नहीं नहीं आप तैयार हो गए, आप चल पड़ेगी जो है ना, एक चटनी तैयार हो गई है, इससे हमने दूसरी चटनी बनाएंगे, दूसरी तरह की, मतलब इसमें नमक डाल के ये बनाएंगे।
यार तू फिर आ गया यार, और तू फिर आ गया यार, तू तय रोला पाया पूरी, पता लगता है तू आ गया। एक कबाब वाली सरकार है, एक कबाब शाल ट्राई करेगी, एक कढ़ाई वाली सरकार है साहब, ए चटनी वाली सरकार। ये देखे जी कबाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कबाब उल्टा रहे हैं, पहली बार कबाब उल्टा रहा है ये बंदा। नाल चिकन कढ़ाई भी ऐड, ओए टेंडर, वो क्या बात है, क्रिस्पी टेंडर। ये देखे जी, देखे साइज सबका इक्वल है, ये चेक करें, ये प्रोटेक्शन है, ये छोटा, ये बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर बनाया। हां वाह जी वाह, ये चटनी भी तैयार होगी, आप इसको पता नहीं क्या बनाया, प्याजों वाली चटनी, अरहियों वाली चटनी बनाई हमने आज, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत जो है ना, अब पता लगा किसी ने जाना वो रखे कबाब बनाए। देखो एक एक देखो एक एक खूबसूरती है, खाने का मजा नहीं है, तुम्हारे जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में जो बने हुए थे ना उनसे बेहतर है, ठीक है ठीक है अच्छी। और ये जो हमारी कढ़ाई एक इधर पहुंची उस्ताद जी, ये फाइनल टच है, अच्छा गार्निश करना है, और इसके ऊपर लाल मिर्च ऊपर तीन चार रखनी है, लाल मिर्च कह रहे हो, ग्रीन मिर्च ऊपर से धनिया डालेंगे, आ हा क्या ऊपर से यू करके ना, वो साल्ट भाई की तरह यू करके। ये जी कबाब लाए थे वो बाहर, खत्म ही कर दिए, अब खीरे से रह गई चटनी, रोटियां भी खाते हैं। ये हमारे भाई टेस्टर हैं जो सिर्फ खाना टेस्ट करने के लिए बैठे हैं। वाह, एक बटन से उठाया दूसरी में डाल दिया, अब सही जो है ना कढ़ाई की लुक आने शुरू हो गई है, साथ कबाब भी बन रहे हैं, तो अभी इस पे जो है ना एंड फाइनल टचिंग मिलेगी, है ना जी, जबरदस्त। तो दही भी है जी, ये बाबा जी कढ़ाइयां, ये बाबे दी कढ़ाइयां, वाह जी वाह, एंड पे दही डाल रहा है, वाह जी वाह, आप सही करके ना, क्या बात है, सही कढ़ाई वाली लुक आ गई है, और पैरल में कबाब भी फाइनल स्टेजेस पे हैं, वाह हल्की आंच में कबाब बन रहे हैं, वाह जबरदस्त है जो है ना, इसने तेल छोड़ दिया, अब टॉपिंग हो रही है, टॉपिंग, आह जी वाह जी वाह, आधी नीचे गिर गई, और कोई मसला नहीं यार, ये तो चलता रहता है। बाकी ये हमारे साथ और क्या क्या जी, ये अभी ऊपर मिर्चों की टॉपिंग होगी, वाह जी वाह, ये आई जी हरी मिर्चें, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, चस करा दिया, वाह जी वाह, ये तो अभी देखने से ही पता लग गया कि क्या खूबसूरत कढ़ाई बनी है, इसको फाइंड आउट। और ये देखे हमारे भाई जो है ना, इसको चेंज कैसे करते हैं, ये भाई जी, इन भाई ने बनाई है खूबसूरत कढ़ाई, और ये देखे जी, ये कबाब के साथ खेलते हुए सैद भाई, वाह वाह क्या बात है, ये अपने शहीदों में नाम लिखवा के थोड़ा सा खून लगा रहे अपने ऊपर। हमारी कढ़ाई फाइनल तैयार हो गई है, और साथ हमारी ड्रिंक्स भी तैयार हो गए हैं, और ये जो है साथ कबाब बनाए हैं माशाल्लाह, और कढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सजी हुई है, और ये सारे जूसेस ले आए हैं, कोई चीज छोड़ी नहीं है, तो भी हम जो है इंशाल्लाह, ये बैचलर्स लोगों ने क्या खूबसूरत दस्तरखान सजा लिया है, और ये अब थोड़े से बर्तन की जो है ना वो फाइनल टच दे रहे हैं, जो हमने खाना बनाया उसको हमने जो है ना ये देखिए जिस बर्तन बनाया, और बाकी हमारा किचन जो है काफी हद तक अब माशाल्लाह आप शुरू हो गए, तो आ जाओ यार, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, चलो यार शुरू करो यार, आज बैठ जाओ, बस बस बहुत हो गया माशाल्लाह, अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसने बाद में उसका नहीं सुना दी थी, वो कैमरे में नहीं आती, अच्छा मेरी बारी है, अब इसमें कौन सा पत्ता फेंका जाए, ये वाला फेंकते हैं,
क्या वो है तेरे पास दमदार फिर मैं ये भी कोई नहीं है तेरे पास मैं तो कॉर्ड पे नजर रखी हुई है लाओ जी उठा लो शुक्र हेलो किसको ठुला पड़ा यार ये क्या है यार मैं नहीं कह रहा है तुम मेरे से ज्यादा कर रहे हो यार छोटा पता फेंको तब भी ठुला है बड़ा फेंको तब भी ठुला है चलो अब दोबारा ठुला पड़ा मैं नहीं खेलूंगा चलो यही है ये अब इस पे ठुला मार के दिखाओ मारो यार तू उसकी साइड पे या यार दोनों पता चेंज कर लो ना यार ये लो ये दोनों मिलके खेल लो फिर यार लड़ो नहीं लड़ो नहीं नहीं यार ये लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है यार लड़ना नहीं लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है चल चल मामा बन रहे हेलो यार हूं मैं बच जाना मैं इतने मारना इसके पास लाल आई कोई नहीं ठुला ये ठुला पैन लगा जी हेलो किस नु पिया आरएस नु पिया आरएस ठुला पै गया आरएस कैसा लगा ठुला लगने के बाद